How are you all? Today is Hindi lecture. Now we will do the next exercise of आपकी मात्रा. आपकी मात्रा के हम next exercise कर लें. फिर हम देखते हैं revise कर लेते हैं एक बार हमने क्या क्या किया आपकी मात्रा में. Notebook पे जो आपने work किया वर्णमाला आपकी मात्रा लगाकर सब वर्णमाला लिखा. फिर कठिन शब्द उसके बाद फिर चित्र पहचान कर नाम. देन आपकी मात्रा लगाओ एंड सुलेखन. ये आपका नोटबुक का वर्क कम्प्लीट हो गया. अब हमें क्या करना है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करनी है. ठीक है तो हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे. सो ओपन पेज नंबर 22. आकी मात्रा. यहाँ देखिए आप आकी मात्रा इस तरह से यूज करते हैं. इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है ये भी आपको पता है. ठीक है आकी मात्रा दाई ओर लगाते हैं. मींस वर्ड के जैसे ये वर्ड लिखा तो इसका कौन सा ओर होता है दाई ओर होता है. ठीक है तो का प्लस आकी मात्रा प्लस ना. कान क्या हुआ का को आकी मात्रा का और ना कान. ना प्लस आकी मात्रा प्लस का तो ना को आ की मात्रा ना और का क्या हुआ नाक. इसी तरह आगे जो वर्ड एक्सरसाइज दिए हैं ये हमको कंप्लीट करना है. पढ़िए और जोड़कर लिखिए. जैसे रा प्लस आ की मात्रा प्लस मा तो क्या हो गया राम. इसी तरह ये आपको रीड कर उसका नाम लिखना है और रीडिंग भी करना है. ठीक है ना प्लस आ की मात्रा प्लस मा तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे ना और इसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे आ की मात्रा. तो ना को आ की मात्रा ना और मा तो क्या हो गया नाम. फिर गा को आ की मात्रा गा प्लस आ की मात्रा प्लस ला. इस पे क्या राइट करेंगे गा को आ की मात्रा ग और ला क्या हुआ गाल. फिर ता प्लस आ की मात्रा प्लस ना तो ताको आ की मात्रा ता और ना तान. का प्लस आ की मात्रा प्लस मा तो काम. तो का को आ की मात्रा का और मा काम. जा प्लस आ की मात्रा प्लस मा तो जा को आ की मात्रा जा और मा जाम. खा प्लस आ की मात्रा प्लस ला खा को आ की मात्रा खा और ला खाल. फिर नेक्स्ट है शा प्लस आ की मात्रा प्लस ना तो क्या हो गया शान. सा को आ की मात्रा शा और ना शान. दा प्लस आ की मात्रा प्लस मा तो क्या हुआ दाम. दा को आ की मात्रा द और मा दाम. ता प्लस आ की मात्रा प्लस ला ताको आ की मात्रा ता और ला ताल. मा प्लस आ की मात्रा प्लस ना तो मान. मा को आ की मात्रा मा और ना मान. जा प्लस आ की मात्रा प्लस ला तो क्या हुआ जाल. जा को आ की मात्रा ज और ला जाल. खा प्लस आ की मात्रा प्लस ला तो क्या हुआ हाल. हा को आ की मात्रा हा और ला हाल. नाउ नेक्स्ट है पेज नंबर 23. इसमें देखो क्या राइट करना है. आ की मात्रा वाले शब्द लिखिए. आ की मात्रा वाले शब्द आप कोई भी राइट कर सकते हैं जिसमें आ की मात्रा लगाकर हम कोई मीनिंगफुल शब्द बना सकते हैं. ठीक है फॉर एग्जाम्पल आ को आ की मात्रा आ और गा आग. सब जानते हो ना आग क्या होती है. इस तरह से मीनिंगफुल वर्ड शब्द हमको इसमें लिखने हैं. ठीक है का को आ की मात्रा का और ना तो क्या हुआ कान. हा को आ की मात्रा हा और था हाथ. फिर ना को आ की मात्रा ना और का नाक. रा को आ की मात्रा रा और मा तो क्या हो गया राम. ना को आ की मात्रा ना और मा क्या हुआ नाम. सा को आ की मात्रा शा और ला तो क्या हुआ
शाल। फिर का को आ की मात्रा का और मा, तो काम। इस तरह से क्या है, आ की मात्रा वाले शब्द आप कोई भी लिख सकते हैं, पर उसमें कौन सी मात्रा आनी चाहिए, आ की मात्रा आनी चाहिए। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 24। इसमें देखो बहुत सुंदर सी पोएम लिखी है, इसको आपको रीड करना है। आ को आ की मात्रा आ, या को आ की मात्रा या, आया आया। माँ को आ की मात्रा माँ, माँ को आ की मात्रा माँ, मामा आया, आया आया, मामा आया, आया आया, मामा आया। फिर ला को आ की मात्रा ला, या को आ की मात्रा या, लाया लाया। माँ को आ की मात्रा माँ, ला को आ की मात्रा ला, माला लाया। आया आया, मामा आया, लाया लाया, माला लाया। फिर आया आया नाना, ना को आ की मात्रा ना, ना को आ की मात्रा ना, नाना आया। फिर लाया लाया आम लाया, आ को आ की मात्रा आ और मा आम, ला को आ की मात्रा लाया, को आ की मात्रा या लाया। फिर आया आया दा को आ की मात्रा दा, दा को आ की मात्रा दा, क्या हुआ दादा आया, आया आया दादा आया। फिर लाया लाया का को आ की मात्रा का और कार लाया। इस तरह से आपको ये वर्ड को जोड़कर और शब्द बनाने हैं, फिर रीड करना है। कैसे करोगे, आया आया मामा आया, लाया लाया माला लाया, आया आया नाना आया, लाया लाया आम लाया, आया आया दादा आया, लाया लाया कार लाया। इस तरह से शब्दों को जोड़कर रीड करना है, उसके बाद इसमें से कॉपी डाउन कर देना है आपको होमवर्क में, ठीक है। ये आपको अपने आप से यहाँ पर राइट करना है देख देख कर, ठीक है, और रीड भी करना है। नाउ पेज नंबर 25 में क्या लिखा है, आ की मात्रा पहचानिए और जोड़िए। अब इसमें से आपको आ की मात्रा पहचानना है। देखो आ की मात्रा ये लगी हुई है, फिर ये है और ये है, आपको इसे जोड़ना है। आ की मात्रा से आ की मात्रा जुड़ गई यहाँ पे, फिर ये आ की मात्रा से ये आ की मात्रा, ये आ की मात्रा से ये आ की मात्रा, जो मात्रा आपने सीखा है। बाकी में देखो कोई में मात्रा नहीं लगी हुई है, आ की मात्रा से पहचानना हमें और उसे जोड़ना है, ठीक है। नाउ दिए गए वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। अब हमने शब्द कौन सी मात्रा पढ़ा है, आ की मात्रा पढ़ा है, तो इससे दूसरी मात्रा हमें इसमें नहीं लानी है, ठीक है। आ की मात्रा से ही शब्द बने, इस तरह के शब्द हमें राइट करना है। तो आ को आ की मात्रा आ और मा आम। आप आग भी लिख सकते हैं, ठीक है, आ से आग या आम कुछ भी लिख सकते हैं। ऊ, अब ऊ से ऐसा शब्द लिखना है जिसमें या तो आ की मात्रा यूज हुई हो या कोई मात्रा यूज ना हुई हो, बाकी दूसरी मात्रा के वर्ड हम नहीं लिख सकते इसमें, ठीक है। उपवन, उपवन मतलब होता है बगीचा। आम तो सब लोग आप जानते हो उपवन मतलब क्या होता है, बगीचा मीन्स गार्डन, है ना, इसको क्या बोलते हैं उपवन। इसमें देखो कोई भी मात्रा यूज नहीं हुई है, उपवन, बट आप इसमें मात्रा यूज करने वाला, आ की मात्रा यूज करने वाले वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे उपहार, ये वर्ड भी इसमें बन सकता है। उप हा को आ की मात्रा हा और रा, उपहार, ये भी आप इसमें लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, दोनों ठीक है। उपहार मतलब क्या होता है, गिफ्ट। फिर है ई, अब ई से बनने वाला वर्ड कौन सा होता है, इमारत। ई, मा को आ की मात्रा म, रा और ता, इमारत। फिर है छोटा आ, छोटा आ से अ, ना को आ की मात्रा न और रा, अनार। फिर ई से इमली, एक सॉरी एक से कौन सा लिखोगे, इनाम। ई बड़ी ई, ना को आ की मात्रा ना और मा, इनाम। इस तरह से आपको ये वर्ड राइट करना है और रीड भी कर देना है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 26, श्रुत लेखन आ की मात्रा वाले शब्द। ये आपको अपने आप से करना है, ठीक है, जो भी आ की मात्रा वाले शब्द आपको लर्न हो गए हैं उसे आपको बिना देखे इस पेज पे राइट करना है, ओके।